मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस शर्मा। तो अब हम आज सुबह हो गई है, तो आज जो है लड़की आने वाली है, तो हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं। भाभी यहाँ बैठी हुई है, वो भाभी यहाँ बैठी हुई है, तो सभी लोग हम लोग रेडी होके बैठे हुए हैं और लड़की का वेट कर रहे हैं जो लड़की कब आए, ठीक है ना। तो चलिए, पिछले वाला ब्लॉग हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, आप लोग केक लेना जो बारात कैसे कैसे गई है, क्या हुआ है, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हम लोग डांस किए, सारा मैं आप लोगों को क्लिप शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। नहीं चले, हाँ चलो ना ऊपर खाना खाने। अच्छा अच्छा, हम लोग चले खाना खाने। बोला भी नहीं था कि खाना खाएंगे। इधर इधर इधर, ए बेटा इधर घर रहा है ना, चलो चलो आ जाओ, चल चलो आ बैठा। आप पूछा ए नहीं आ जा हम लोग ना चारों मतलब देवरानी जेठानियाँ यहाँ पे खाने के लिए आ गए हैं और बैठ गए हैं खाने के लिए। तो शादी विवाह में खाना भी जरूरी होता है, टाइम टू टाइम तो नहीं मिल पाता है, बट खाना जो भी हो एक बार खा लो और उसका एंजॉय करते रहो, खाने पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता है उतना। तो बस, और यहाँ क्या कुछ हो रहा है, शायद मतलब कोई गाने बजाने कर रहे हैं, तो लड़की की आने से पहले कुछ, हाँ शायद वहाँ पे ना पूजा हो रही थी शिव चर्चा, तो उसी के गाने बजाने बज रहे थे। और यहाँ पे देखिए लड़की आ गई है और हम लोग वेट कर रहे हैं और सारे रिकॉर्डिंग वाले अपना कैमरा ले लेके खड़े हुए हैं। तो बस अब हम लोग भी यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और आप लोग भी देखिए एंजॉय कीजिए। तो बस वही, हम लोग भी निकल के चल दिए हैं बाहर और थोड़ा सा ना सेल्फी वगैरह भी हम भाभी लोग ले लिए और आ गए हैं। तो मैं ना किसी बाबू को कैमरा मतलब फ़ोन हाथ में दे दी थी, क्योंकि हम लोगों को ना यहाँ पर ना परिछावन करना था, मतलब परिछना था लड़की को, तो ये सब ना मैं फ़र्स्ट टाइम करने जा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले तो हमारे घर में मतलब सबसे छोटी मैं ही हूँ और फुआ सास के जो बेटे हैं वो हमसे छोटे हैं। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं शादी में गई हूँ, ससुराल की शादी में, ऐसे मायके में भी हमारी शादी अभी तक हुई नहीं है किसी की, तो मुझे ये सब का आइडिया नहीं था। तो ये सारा जो भी मैं यहाँ पे रस्म करूँगी ना, ये फर्स्ट टाइम ही करने जा रही हूँ गाइज। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, एक्साइटेड भी थी, जो मैं छोटी थी और मुझसे भी एक छोटी आ गई, तो मैं थोड़ा सा मैं बड़ी बन गई हूँ, तो बस अंदर से खुशी भी है। और यहाँ पे देखिए हम लोग चल रहे चले गए, तो फिर यहाँ पे ना बारी बारी से जैसे घर के सभी लोग हो गए, वो परछावन किए, उसके बाद भाभी लोग की, उसके बाद भी हमारी नंबर भी आएगी, तो आप लोग देखते जाइए। शर्ट यार ड्राइवर।
यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आदमी थे परेशान करने के लिए। तो हम भाभी ना सोची चलो मतलब छुट्टी वाली जो भाभी होगी और हम दोनों चले आए आंगन में। तो बस वही हम लोग चले गए, जो हो जाएगा तो हम लोग को भी बुलाहट आ ही जाएगा। तो ज़्यादा देर खड़ा होने का मन नहीं कर रहा था, धूप भी बहुत ज़्यादा थी इसलिए। तो बस ये रही हमारी फुआ सास और हम लोग यहाँ पे ना सेल्फी वगैरह ले रहे फुआ सास के साथ। तो बस वही दोनों मिलके ना सेल्फी वगैरह भी ले रही है और फिर बाहर से बुलाहट भी आ गया। तो यहाँ पे देखिए भाभी मतलब हमारी दोनों जेठानियाँ जो है वो परछावन कर रही हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बड़ी वाली कर रही है, उसके बाद छोटी वाली करेंगे। तो इसी तरह ये दोनों कर लेंगे, उसके बाद भाभी की नंबर आएंगे, उसके बाद फिर मेरी नंबर आएंगे। तो जैसे हम लोग सीरियल बाय सीरियल है वैसे मतलब हम लोगों की बारी आ रही है। तो बस हम लोग यहाँ पे परछावन कर रहे हैं। पूरा वीडियो बनने में पूरा पीठ दिख रहा है। कुछ पूरा पीठ हमरो का पीठ काला तो निकाल रहे हैं मैं दिखा रहा हूं। हां तो हम फोटो वीडियो बना रहे थे, दिखा दो कि हम अपना मतलब थोड़ा करते हैं ऐसे करते बाप की कर तो चार बार सुकर रहे के छतुआ बोल से लेके देखना पड़ता है। मोबाइल देख लो हमारे बेटा से
दे दो नैन्सी को दे दो। दे दो बेटा वो दे दो। आ गए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के, इसलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं चुमाउन हो रहा है। तो बस अब आ गई ना परीक्षण की मतलब चुमाउन की बारी। तो बस हम भी यहाँ पे ये भी रस्म जो है भी मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी सीरियल बाय सीरियल हम लोग कर रहे हैं, जैसे जो बड़ी हैं वैसे उस हिसाब से कर रहे हैं। तो अब ना यहाँ पे हमारी नंबर आ गई है तो हम कर रहे हैं। मुझे ना मतलब चुमाउन करने आ ही नहीं रहा था और मैं देखी भी नहीं थी, तो मुझे लग रहा था तो मैं पता नहीं कैसे कैसे कर दूँ, इसलिए थोड़ा सा दूल्हे राजा जो है वो मुस्कुरा रहे हैं हंस रहे हैं जो मुझे पर चुमाउन करने नहीं आया इसलिए। लेकिन हाँ लड़की को मैं अच्छे से चुमा ली थी, काफ़ी अच्छे से मैं देख के सीखी। तो बस यही है, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा भी आया, बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई और यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हर चीज़ हो रहा था, फर्स्ट टाइम शादी में गए थे, फर्स्ट टाइम हर चीज़ हर रस्म यहाँ पे मैं कर किए जा रही थी। तो काफ़ी अच्छा लगा गाइज, आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताना गाइज। और हाँ मतलब ये वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को, प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं गाइज तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस यूँ ही हमारा वीडियो इन्जॉय करते जाइए, जो भी शादी की वीडियो है सारे देखते जाइए। और हाँ आप आएगी बारी क्या तो हमारी देवरानी की मुँह दिखाई, तो चलिए मैं यहाँ पर देख लीजिए मुँह दिखाई हमारी देवरानी की। मैं आप लोग को फेस भी मैं दिखा दी और बस हम आ गए यहाँ पे देवरानी से मिलने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे ना देवरानी जेठानी सब मिल के बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ी सी बातें बातें हुई और नई नवेली दुल्हन थी तो मैं उतना इन लोगों को आप लोगों से नहीं परिचित करवाई क्योंकि तुरंत ही तो आई थी ना। एक होता है ना हाँ थोड़ा देर रहो तो थोड़ा सा बातचीत करने से थोड़ा ये हो जाता है, तो ऐसा तो अभी कुछ नहीं था। तो इसलिए मैं ना आप लोगों के साथ बस थोड़ा सा ये दिखाई थी इनका फेस। और यहाँ पर हो गई है मॉर्निंग, तो हम लोग अब क्या है पता है निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी हम लोग सुबह सुबह उठ गए 5 बजे में ही, और भाभी लोग सारे पैकिंग हो गई है, बच्चे लोग सोए हुए सभी को उठा पटा के और गाड़ी में मतलब पैकिंग करना है बच्चे लोगों को भी सामान और खुद भी। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोग को यहाँ से निकलना भी है। तो बस ये हारा आज का हमारा वीडियो, तो गए चलिए तो फिर मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।